C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कबीर अहमद, आपका निकाह रुखसार बिनते हामिद शेख के साथ बिल एवज 25,000 दिरहम मेहर मुअज्जल पढ़वाना चाहते हैं, आपकी निकाह कबूल है? आपको ये निकाह कबूल है? जब तक हम जिंदा हैं, जारा की अमानत, हमारी जान जारा की अमानत। जानते हैं हमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी जान बचाने के लिए। कल तुम्हारा केस कोर्ट में रीओपन करवाना है हमें। अब तफसील से हमें बताओ कि तुमने हमदान का कत्ल क्यों किया? हमें बताओ कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए जिसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये सब करो? कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके और वो यही कह रहे कि ये सब सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ है, कि उसकी मौत की सजा फाइनल अभी भी है। कबीर, क्या कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रुखसार की जान बचाई जा सकती? सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार हैं। हमें जान के बदले सिर्फ जान चाहिए। देखिए, हम भीख मांगते हैं आपसे, दरखास्त करें हमसे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, प्लीज। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर, इधर आना। जिनके शौहर जिंदा नहीं रहते वो सजती सवरती नहीं है बेटा। ये जो कपड़े पहने हैं वो बदल कर ये कपड़े पहन लो। कबीर, तुम बताओ हम क्या करें? हम कौन से कपड़े पहने, ये सजने सवरने वाले या फिर ये जो एक बेवा औरत पहनती है? अलीना तो गई हुई है दिल्ली, हमारे दूल्हे राजा को सहरा बांधेगी कौन? रुखसार है, सहरा बंदी की रस्म रुखसार ही करेगी, आखिर वो भी तो बहन की तरह है। रुखसार, रुखसार, तुम हमें ये नहीं पहना सकती? क्यों ना पहनाए कभी? सर, हम कह रहे तुमसे नहीं पहना सकती, तुम हमारी बहन नहीं हो, तुम हमारी बीवी हो। मैडम, आपके नाम का कोरियर है, हम आपको एड्रेस भेजते हैं, आप हमें यहाँ पर आके डिलीवर कर दीजिए। खुशी के मौके पर हम तुम दोनों को एक तोहफा दें। तोहफा? ये कोई मामूली तोहफा नहीं है जारा, खास तौर से दुबई से मंगवाया है। ये तोहफा सबसे पहले हम तुम्हें दिखाएंगे। कबीर अहमद, तुमने हमारी सुहागरात में हमसे दूर रह के हमें तड़पाया, अब आज जारा की सुहागरात में उसे तुमसे दूर करके हम तुम्हें तड़पाएंगे। आज की रात सुहागरात में बर्बाद रात होगी। सर, यहाँ ना, खूबसूरत है ना ये? हाँ, सजावट तो हमने बहुत की थी, मेहनत भी बहुत की थी, मगर है पागलपन तुम में थोड़ा तो है, और इसलिए हम सोने जा रहे, तुमको जो करना तुम करो। Yeah.
रुखसार के नाम का कोरियर है। हमारे हाथों में तो मेहंदी लगी है। जारा तुम ये खोल के प्लीज हमारे लिए पढ़ दोगी? जारा क्या है वो? निकालनामा। मैं तो तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारा जो ये विश्वास है ना मुझ पे प्रीता, यही मुझे हिम्मत देता है, यही मुझे मजबूत बनाता है। फिर चाहे मुझ पे कितने भी इल्जाम क्यों ना लगे हो, तुम मेरे साथ हो ना। I'm fine, let's go. अरे, संभल के। तुम चिल्ला क्या रही हो? हार्ट अटैक हो जाएगा मुझे। आप गिर जाते तो चिल्लाऊंगी क्या? गिर जाते तो ना, गिरा तो नहीं ना। छोड़ो मुझे। अरे लेकिन 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 क्या छोड़ो? पता है मैंने कितनी बार तुम्हें गिरने से बचाया? जानबूझकर गिराया ना तुमने मुझे? मैं जानबूझ के क्यों करूंगी? मैं क्यों चाहूंगी कि आपको चोट लग जाए? से घिरे गुड्डन और अक्षत कैसे निकलेंगे बाहर अब इस नई मुसीबत से? क्या अक्षत और गुड्डन की ये मेहंदी संगीत की अनोखी रस्म अब हो पाएगी पूरी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए क्या करेगा विवान जब उसका सच डॉली और मीरा को पता चलेगा। और अब होगा तेरे साथ। क्या तुझे पता है ऐसा विश्वास पहले किसका टूटा था? उस लड़की का जिसने तुझे आंखें दी। अब शान तुम लोगों को तभी मिलेगा जब मैं और नील ना इस मंडप में साथ फेरे ले लेंगे। कुचकी ने ठान ली है अपने दोस्त शांतनु को ब्यूटी के कहर से बचाने की। आखिर किस हद तक जाएगी कुचकी? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। वेदिका जहाँ तू रहेगी वेदिका वही हमारा भी घर। थैंक यू साहिल बाबा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया अब मैं अपने मम्मा पर यकीन करती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। साहिल मुझे तुम्हें कुछ बताना है, एक और सच है, श्रुति ने तुम्हें नहीं बताया। क्या भूमि की बातों से हट जाएगा पर्दा साहिल की आंखों पर से और मुकम्मल होगी वेदिका और साहिल की ये अनोखी प्रेम कहानी।